बदल के रहिबो अब ना सहिबो के नारे के साथ बीजेपी ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बदल दी है। पर एक बार फिर से इसी नारे के साथ बीजेपी का पार्षद दल सत्ता बदलते ही प्रदेश के कई नगर पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले के नवागढ़ नगर पंचायत में भी अविश्वास प्रस्ताव पार्षदों द्वारा लाया गया। अब देखना होगा कि इस अविश्वास प्रस्ताव में नगर पंचायत के अध्यक्ष तिलक घोष बचते हैं या फिर उनकी सत्ता गिर जाती है। तो छत्तीसगढ़ में अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और इसके बाद अब बीजेपी के कई नगर पंचायतों में पार्षद दल सत्ता बदलते ही प्रदेश के कई नगर पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। और इसी कड़ी में बेमेतरा जिले के नवागढ़ नगर पंचायत में भी बीजेपी पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और इस अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा, पास होगा, क्योंकि ये अब वोटिंग के बाद ही पता चल सकेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बेमेतरा से कृपा शंकर त्रिपाठी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, आपसे यही जानना चाहूंगा कि बेमेतरा नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, कब वोटिंग होगी, क्या कुछ मामला है, बताइए। अभी तक हमारे पास जो जानकारी है उसमें नगर पंचायत नवागढ़ के जो अध्यक्ष रहे हैं तिलक घोष, वो अब अपने पद से गिर चुके हैं जी। मतदान में कुल 15 मत पड़े जिसमें 12 मत विपक्ष में पड़े और 2 मत उनके पक्ष में थे और एक मत जो पार्षद थे वो नहीं आए। ऐसे मिला के कुल 15 लोगों में 12 लोगों ने उनके विरोध में मतदान किया है जी। इसके बाद अब बेमित्रा की जो नवागढ़ पंचायत है उसमें प्रस्ताव पास हुआ है, अब यहाँ पर भी नगर की जो सरकार है वो बदल जाएगी, लेकिन इसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, इसके बारे में बताएं आप। ये प्रशासन तो नेक्स्ट जो भी प्रक्रिया है वो आने वाले समय में प्रशासन जो प्रक्रिया उसको करेगी, परंतु अभी हमारे पास जो जानकारी मिल रही है कि वहाँ जो उपस्थित SDM महोदय है उनका कहना है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी फिर से नगर पंचायत में जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। बिल्कुल, तो एक बार फिर से पार्षदों ने नगर सरकार को बदल दिया है, अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ है। तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि ये बेमेतरा से ये बड़ी खबर, नगर पंचायत नवागढ़ में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया बीजेपी पार्षदों द्वारा और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 12 वोट पड़े बल्कि विपक्ष में 2 ही मत पड़े। तो इस प्रकार से बेमेतरा में नगर सरकार का अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ है। अब देखना होगा कि यहाँ नया अध्यक्ष कौन बैठेगा, किसकी नगर सरकार होगी।